आज YouTube के माध्यम से इतिहास चैप्टर का पहला टॉपिक राष्ट्रवाद, जिसे हम इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, आज आपको समझना है। मैंने आपको पहले ही इस टॉपिक के बारे में विश्लेषण या इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इन क्लास स्कूल पीरियड। आज इसका डिफिनेशन लिखना है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान, एक के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता या स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक विचार, बिना भेदभाव देश के प्रति कार्य करने की क्षमता को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे राष्ट्रगान, तिरंगा, ये हमारे राष्ट्रवाद का परिभाषा है। राष्ट्रवाद और जातिवाद, वाद का मतलब होता है जिसे हम विशेष मान्यता देते हैं या जिसका हम विशेष सुचिंतक होते हैं, उसे हम वाद शब्द से डिफाइन करते हैं। यानी हार्दिक दिल से जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में कहते हैं, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। बहुत ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रति, देश के प्रति इतना वो समर्पित होते हैं, अपने तिरंगा को झुकने नहीं देते हैं। लोग कहते हैं कि सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं देंगे, अपने राष्ट्रगान को या मर्यादित नहीं होने देंगे, हमारी राष्ट्रीय मान्यता की चीजों को कभी अमर्यादित नहीं होने देंगे। इन सारे तथ्यों को लेकर हम एक राष्ट्रवाद का पहचान बनाते हैं और उसे हम ही राष्ट्रवाद कहते हैं। बहुत ऐसे लोग ऐसे कहते हैं कि देशद्रोही होते हैं, खाते हैं देश का और गाते हैं विदेश का, ये बिल्कुल राष्ट्रवाद की भावनाओं का विपरीत है। लेकिन राष्ट्रवादी जो होते हैं पूर्ण रूप से अपने पूरे जीवन को निछावर करते हैं। जैसे इनके एक उदाहरण में लोग लेते हैं, इसे हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं कि देश के लिए सारी कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें हम लोग राष्ट्रवादी नेता कहते हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। ये रहा आज का प्रश्न, आप सभी इसे अपने नोटबुक पर उतारें और इसे प्रश्न कर व्हाट्सएप पर सब्सक्राइब करें।